दोस्तों, जब से कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच आई है, तब से पैसों की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। लोग अब अपने पैसे को ज्यादा खर्च करने के बजाय बचाने पर ध्यान देने लगे हैं, ताकि अचानक से पैसों की जरूरत पड़ने पर इस बचत से वो पैसा निकाल सकें। एक एम्प्लॉई के लिए ऐसी ही एक अच्छी बचत प्रोविडेंट फंड होती है, जो कि हर महीने एम्प्लॉई की सैलरी से काटकर उसके बचत खाते यानी के पीएफ अकाउंट में जमा कर दी जाती है, और जिसे एम्प्लॉई जरूरत पड़ने पर किसी भी समय निकाल सकता है। एम्प्लॉई अपने इस बचत खाते से यानी के पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अपने मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठे ही अप्लाई कर सकता है, जिसका पूरा लेटेस्ट प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आज की वीडियो एम्प्लॉईज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो पैसों की जरूरत पड़ने पर जब भी आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने जाएंगे और उसके लिए ऑनलाइन सबसे आसान प्रोसेस को अपनाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने के साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अपने पीएफ अकाउंट में क्या क्या डिटेल्स हैं जो आपको पहले से ही चेक कर लेनी चाहिए और उनको पहले से ही अपडेट रख लेना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ने पर जब आप अपने पीएफ का पैसा निकालने जाए तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद स्टेटस को कैसे चेक करें, ऑनलाइन अप्लाई करने के कितने दिनों बाद पैसा मिल जाता है, ऐसी सारी क्वेरीज का आंसर आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि ईपीएफ से जुड़ी ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो जब भी मैं फ्यूचर में अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल ओपन करना है और उसमें सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट में आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिखाई देगा, ईपीएफओ यानी एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उस पर आपको क्लिक करना है और वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको लैंडस्केप मोड में दिखा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। आप इसको पोर्ट्रेट मोड में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना है सर्विसेज पर और उसमें सेलेक्ट करना है फॉर एम्प्लॉईज को। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर नीचे सर्विसेज में आपको सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अपने ब्राउजर को आपको डेस्कटॉप साइट में खोल लेना है। उसके लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है, नीचे डेस्कटॉप साइट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है, यानी कि अपना यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको पहले अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करना होगा और अपने पासवर्ड को क्रिएट करना होगा। यूएन को कैसे एक्टिवेट करते हैं और अपने पासवर्ड को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए मैंने अलग से अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने यूएन को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। पीएफ अकाउंट में अपनी नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट करने के लिए एक नोटिफिकेशन शो होगा, यहां पर आपको अभी लेटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको चेक करनी है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेट है या नहीं। ये चेक करने के लिए आपको जाना है मैनेज पर और क्लिक करना है केवाईसी पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको आपकी केवाईसी का स्टेटस आपको बताया जाएगा। यहाँ पर अगर आपकी तीनों केवाईसी यानी कि आपका पैन, बैंक और आपके आधार की डिटेल्स अगर वेरीफाइड और अपडेटेड है, तो कुछ इस तरह से आपको स्टेटस के नीचे ग्रीन कलर में अप्रूव्ड दिखाई देगा। दोस्तों, साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है, जो केवाईसी आप अपने पीएफ अकाउंट में अपडेट करते हैं, उसकी बेसिक डिटेल यानी कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सारी डिटेल्स आपके पीएफ अकाउंट की डिटेल्स से मैच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको पहले से ही ये डिटेल्स अपडेट करा लेनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर और क्लिक करना है क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपको उस बैंक अकाउंट नंबर को फिलअप करना है जो आपने अपने पीएफ अकाउंट में केवाईसी में अपडेट कराया है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा, वार्निंग सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। इसको आपको एक्सेप्ट करना है, यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको एक बटन दिखाई देगा, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आप नीचे देखेंगे आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर आपको अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है, यानी कि पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म 31 को चुनना है।
जैसे ही आप फॉर्म को चुनेंगे नीचे आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। नीचे सर्विस टाइप में आपको अपने एम्प्लॉयर को चुनना है, उसके बाद अपने पीएफ का पैसा निकालने के पर्पस को चुनना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपको बहुत सारे पर्पस दिखाई देंगे। दोस्तों जॉब करते हुए आप अलग अलग कंडीशंस में अपने पीएफ बैलेंस का 90% तक पैसा निकाल सकते हैं। किस कंडीशन में कितना पैसा निकाल सकते हैं अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक पर क्लिक कर आप डिटेल्ड पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस कंडीशन में कितना पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको पीएफ विड्रॉवल की अमाउंट को फिलअप करना है, उसके बाद नीचे अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे अपने कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को यहाँ पर अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है आपकी कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी क्लियर होनी चाहिए, जिसमें आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। यहाँ पर नीचे आप पढ़ सकते हैं कि फाइल का साइज क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फाइल को अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे आपको गेट आधार ओटीपी का एक बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि आप अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को आधार ओटीपी के जरिए वेरीफाई और वैलिडेट कर सकें। अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो पहले आपको वो अपडेट करा लेना चाहिए ताकि आप ओटीपी वैलिडेशन की प्रोसेस को पूरा कर सकें और अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को सबमिट कर सकें। उसके बाद जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहां पर एंटर करना है और नीचे वैलिडेट ओटीपी और सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी कि पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कुछ ही दिनों में आपका क्लेम फॉर्म सेटल कर दिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर आप अपने क्लेम फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर और क्लिक करना है ट्रैक क्लेम पर। यहाँ आप अपने क्लेम फॉर्म का करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ईपीएफ से जुड़ी ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।